फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। इस लेक्चर में हम बात करेंगे CO2 फिक्सेशन के बारे में। हम पिछले लेक्चर तक ये देख चुके हैं कि किस प्रकार से जो एसिमिलेशन पावर है उसका निर्माण होता है, इसमें ATP और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे CO2 फिक्सेशन की, कि CO2 फिक्सेशन में जो CO2 फिक्सेशन या यहां पर हम कहेंगे एसिमिलेशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का श्वांगीकरण किस प्रकार से होता है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। देखो यहां तीन पथ हैं, CO2 के फिक्सेशन के तीन पथ हैं। एक तो है केल्विन साइकिल, जिसको हम कहते हैं केल्विन साइकिल, या शॉर्ट में C3 साइकिल भी कहते हैं। दूसरा है हैच एंड सिलेक्टर, या इसे हम C4 साइकिल भी कहते हैं। और एक है क्रेसुलेशन में एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसे हम CAM प्लांट्स कहते हैं, CAM प्लांट्स। तो आज हम बात करेंगे C3 चक्र के बारे में। दिस इज द फर्स्ट साइकिल इन फोटोसिंथेसिस, दिस इज केल्विन साइकिल, C3 साइकिल। तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि किस प्रकार से ATP और NADPH2 का निर्माण होता है। अब उसी ATP और NADPH2 का यूज इस जगह पर किया जाएगा, और इस क्रिया को, ये जो क्रिया यहाँ पर होंगी, इन तीनों क्रियाओं को हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। इनको कहते हैं हम डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्रिया है CO2 जो लाइट जो है इनके प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, इन क्रियाओं के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम उसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। दूसरी ये क्रियाएं स्ट्रोमा में होती है, स्ट्रोमा में वो क्रिया हो रही थी ग्रेना में, लाइट रिएक्शन होती थी ग्रेना में, और ये चूंकि डार्क रिएक्शन है ये होती है स्ट्रोमा में। तो इस क्रिया में क्या क्या काम होता है ये हम डिटेल से यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे C3 साइकिल, CO2 फिक्सेशन का पहला जो चरण है उसे हम कहते हैं केल्विन साइकिल। ये केल्विन बेंसन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। तो केल्विन साइकिल या सिंपल से इसको हम कहते हैं C3 साइकिल। देखो ये सामान्यतः पादपों में पाया जाता है, ऐसे पादपों में जो पादप कम तापमान में वृद्धि करते हैं। इन पादपों की वृद्धि ज्यादा नहीं होती, जैसे आप गेहूं को देखिए, गेहूं में वृद्धि नहीं होती, लेकिन बाजरे को देखिए, बाजरे की वृद्धि बहुत ज्यादा होती है। तो मोस्टली अगर देखें तो रबी की जो फसलें होती हैं उनके अंदर ये कम पाया जाता है, और जो खरीफ की जो फसलें होती हैं उनके अंदर जो रबी की फसलें होती हैं उनमें C3 चक्र ज्यादा पाया जाता है, और जो खरीफ की फसलें होती हैं उनमें C4 चक्र ज्यादा पाया जाता है, उसमें तापमान ज्यादा होता है। अब देखिए इनमें होता क्या है। देखो स्टार्टिंग में हम लेते हैं कि जो CO2 फिक्सेशन होगा, एक्चुअली इसमें CO2 का जो रिडक्शन होगा, CO2 का रिडक्शन होगा ग्लूकोज में, जहां हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट में। अब इस क्रिया में अगर हम देखें तो कुल मिलाकर के हमको चाहिए 18 ATP चाहिए,
और 12 चाहिए हमको NADPH2, 12 चाहिए NADPH2 और 18 चाहिए टोटल हमको। तो इस क्रिया में टोटल हमको चाहिए 12 ATP, 18 NADPH2। तो 12 ATP और 18 NADPH2 के साथ मिलकर के CO2 कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगी। तो ये रिएक्शन हमको यहाँ पर देखते हैं, इसको हम कहते हैं C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। अब इस क्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो एक है, वो है रोबिस्को एंजाइम। रोबिस्को एंजाइम, तो देखो इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट तो है सेलुलोज, जो पादप की सभी कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। लेकिन इस पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम है रोबिस्को। इसका फुल फॉर्म होता है राइबोलोस, राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट, बिस्को डाइकोबिस भी कहते हैं, बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। यानी इसके दोनों काम होते हैं, ऑक्सीजन को भी जोड़ सकता है और ये CO2 को भी जोड़ सकता है, कार्बोक्सिलेज भी है और ये ऑक्सीजिनेज भी है, दोनों प्रकार के काम भी कर सकता है। राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। अब ये पृथ्वी पर अधिक मात्रा में क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसकी जो टर्निंग या टर्न ओवर जो नंबर है, टर्न ओवर का मतलब है कि एक एंजाइम के द्वारा एक सेकंड में कितने सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको हम कहते हैं उस एंजाइम का टर्न ओवर नंबर। तो इसका जो टर्न ओवर नंबर है वो 3 से 10 CO2 का ही है, 3 से 10 CO2 मॉलिक्यूल पर सेकेंड, बहुत कम है, इसलिए इसकी हमको अधिक मात्रा की रिक्वायरमेंट होती है और इसलिए सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये इसका एक मुख्य अंग है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे तो ये सबसे पहले जिस पर ये एंजाइम क्रिया करेगा वो है RUMP, इसका नाम है राइबोलोस 5 मोनोफॉस्फेट या 5 फॉस्फेट, राइबोलोस 5 फॉस्फेट। अब इसे राइबोलोस 5 फॉस्फेट के साथ हमारे पास से 18 ADP और 12 NADPH2 का मिलन है, तो इसके साथ क्रिया करेंगे ATP के 6 मॉलिक्यूल, और यहां भी इनको भी हम लेंगे 6 मॉलिक्यूल, उसके बाद ये बन जाएगा, यहां पर तो एंजाइम काम में आएगा काइनेज। तो काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में जो RUMP है ये अब RUBP में बदल जाएगा, राइबोलोस ये 1,5 बिसफॉस्फेट, राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट यहां पर बन जाता है, सिक्स मॉलिक्यूल इसके तो 6 मॉलिक्यूल ही इसके बनेंगे, ये भी 6 मॉलिक्यूल ही बनाएगा, इससे कम नहीं बनाएगा। अब यहां से आगे स्टार्ट होता है रोबिस्को एंजाइम की कहानी। तो रोबिस्को एंजाइम के बारे में हम बता चुके हैं कि रोबिस्को एंजाइम इसकी फुल फॉर्म है राइबोलोस 1,5 फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, 3 से 10 CO2 मॉलिक्यूल पर सेकंड जोड़ने की गति होती है, यह पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। इस एंजाइम के बारे में और भी कुछ है कि भाई ये 2 यूनिट से बना होता है, 2 सब यूनिट से बना होता है, और इन 2 सब यूनिट में 1 सब यूनिट का निर्माण तो होता है क्लोरोप्लास्ट में, तो ये 2 सब यूनिट से बना होता है, 1 सब यूनिट का निर्माण तो क्लोरोप्लास्ट में होता है और दूसरी जो सब यूनिट है उसका निर्माण न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस से ये फिर ट्रांसपोर्ट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। ये सब के अंदर लगभग ये
55,000 डाल्टन का होता है, इनके 55 किलो डाल्टन इसका वेट होता है। और एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इसके एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम आयन का होना बहुत जरूरी होता है। तो यहां पर अब जब ये RUBP बन चुका है तो RUBP यानी कि राइबोस 1-5-bis फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल प्लस अब यहां से CO2 जुड़ेगी पहले प्लस CO2 और CO2 भी कितने मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे और इस जगह पर एंजाइम काम में आएगा रुबिस्को। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो CO2 है रुबिस्को इस CO2 को RUBP के किस कार्बन के साथ बाइंड करेगा। तो ये ध्यान रखना ये C2 कार्बन पर बाइंड करेगा या C2 पोजीशन पर बाइंड करेगा और इससे बन जाता है PGALK या PGAK 3PGA इसके 12 मॉलिक्यूल यहां पर बन जाते हैं। देखो 6 मॉलिक्यूल इसके यानी कि ये 5 कार्बन वाला होता है राइबोस तो इसमें 5 कार्बन 30 कार्बन यहां पर हुए। इसमें अगर देखें हम तो 6 CO2 है तो 6 कार्बन यहां पर हुए तो 336 और ये PGA के अंदर 3 कार्बन होते हैं तो 12-36 कार्बन यहां पर इसके बन जाते हैं। दोनों तरफ कार्बन की संख्या में कोई डिफरेंस नहीं है, इट मीन्स हमारी रिएक्शन सही चल रही है। अब जो 3PGA है, अब ये 3PGA इसका कन्वर्जन होगा। देखो 3PGA अब 12 NADH2 के साथ क्रिया करेगा और PGAL फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में इसका 3PGAL में इसका जो रिएक्शन होता है तो उसके बीच में एक रिएक्शन होगा कि हमारे पास अभी हमने केवल 6 ATP का यूज किया है, अभी हमारे पास कुल 12 ATP और बचे हुए हैं। तो जो 3PGA बना है 3PGA इसके 12 मॉलिक्यूल हैं ये, तो ये प्लस 12 ATP के साथ क्रिया करता है और यहाँ पर एंजाइम वो ट्रायल फॉस्फोकाइनेज एंजाइम फॉस्फोग्लिसोकाइनेज ये एंजाइम। तो इस कंडीशन में अब 1,3-DiPGA का निर्माण होता है, 1,3-DiPGA का निर्माण होता है और 1,3-DiPGA में आप देख रहे हैं पहली और तीसरी दो पोजीशन पर फॉस्फेट समूह जुड़ जाता है और ये 12 मॉलिक्यूल इसके बन जाते हैं, कुल 12 मॉलिक्यूल। उसके बाद अब 1,3-DiPGA 12 मॉलिक्यूल प्लस NADPH2 कुल 12 मॉलिक्यूल। यहां पर एंजाइम अब यहां काम में आएगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा और ट्राइज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इस एंजाइम की उपस्थिति में यह बनेगा 3PGAL प्लस H3PO4 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यहां पर बन गए कुल हमारे पास 3PGAL। तो इस प्रकार से ये जो ये रिएक्शन हमारी RUMP से स्टार्ट हुई थी, RUMP से 18 ATP और 12 NADPH2 प्लस 6 CO2 इनके साथ मिलकर के इसने कुल 12 मॉलिक्यूल यहां पर बना लिए हैं। ये 12 मॉलिक्यूल ही बनेंगे, 12 मॉलिक्यूल बना लिए हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। अब इस 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल जो बने हैं 3PGAL इसके 12 मॉलिक्यूल जो बने हैं, इन 12 मॉलिक्यूल में से इनका डिवाइडेशन दो जगह पर हो जाता है। दो मॉलिक्यूल 3PGAL के दो मॉलिक्यूल तो काम में आ जाएंगे और ये बना लेंगे ग्लूकोज और इधर जो 3PGAL है
इसके 10 मॉलिक्यूल काम में आ जाएंगे और ये दोबारा से रीजनरेशन ऑफ RUN, रीजनरेशन ऑफ RUMP, यानी कि राइबोस 5 मोनोफॉस्फेट के 10 जो ये जो मॉलिक्यूल है, 6 मॉलिक्यूल जो हमने यहाँ से स्टार्ट किए थे। देखो अब यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं है हमको कि ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल, इस ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं और हमने यहाँ पर कह रहे भाई 6 CO2 के मॉलिक्यूल प्रवेश करते हैं, तो जो CO2 के मॉलिक्यूल यहाँ पर आ रहे हैं वही CO2 के मॉलिक्यूल डिफरेंट तरीके से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो CO2 एनवायरमेंट से ली जा रही है वही CO2 रिडक्शन होकर और ग्लूकोज में बदल जाती है। अगर ये PGL जो है वो 10 PGL जो बचे हैं 10 मॉलिक्यूल, ये पुनः यहाँ देखो RUMC के जनरेशन में काम लेंगे, दोबारा से ये भी प्राप्त करना है, यानी एक चक्र चलता रहता है कि जो RUMP यहाँ पर ग्रहण कर रहा है CO2 को RUMP बन करके और यही CO2 को ग्लूकोज में बदल रहा है और फिर दोबारा से और CO2 को लाने के लिए ये उपलब्ध हो रहा है, तो यही रिएक्शन यहाँ पर चलती रहती है। अब आगे की जो बात करेंगे इस रिएक्शन में, आगे दो चीजें पढ़नी है, एक तो है ग्लूकोज का निर्माण और दूसरा है रीजनरेशन ऑफ RUMP। तो आगे हम देखते हैं ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है। देखो हमारे पास है दो मॉलिक्यूल 3PGL के, दो मॉलिक्यूल है हमारे पास और इन दो मॉलिक्यूल से हमको बनाना है एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का। और देखो दो मॉलिक्यूल इसका मतलब तीन कार्बन दो मॉलिक्यूल, 6 कार्बन है टोटल हमारे पास। अब इनमें से देखो होता यह है कि 3PGL का एक मॉलिक्यूल ये कन्वर्ट हो जाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, या हमको इसको सिंपल ले सकते हैं DIHAP 1 मॉलिक्यूल में। यहां पर एंजाइम काम में आएगा आइसोमरेज। देखो ये ग्लिसरेल्डिहाइड है और ये कीटोन है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, तो ये दोनों आइसोमर है, इसमें 3 कार्बन है इसमें 3 कार्बन है। अब सेकंड रिएक्शन है कि हमने पीजीएल का केवल एक मॉलिक्यूल काम में लिया जबकि हमारे पास दो मॉलिक्यूल है, तो 3PGL प्लस DIHAP का एक मॉलिक्यूल, ये भी एक मॉलिक्यूल और ये भी एक मॉलिक्यूल, अभी हम आगे पढ़ेंगे जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इन दोनों का क्या होता है। तो ये दोनों देखो तीन तीन कार्बन वाले हैं और यहां पर एंजाइम काम में आया एल्डोलेज, तो ये एल्डोलेज एंजाइम इसको दोनों कन्वर्ट कर देता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। अब ये दोनों एक एक मॉलिक्यूल थे, ठीक, तो यहां पर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का सिंगल मॉलिक्यूल बन जाता है, 6 कार्बन यहां हो गए 6 कार्बन यहां हो गए। अब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में से फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में एक फॉस्फेट निकल जाता है और ये रह जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, 1 निकलेगा केवल 6 फॉस्फेट रहेगा। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये बदल जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। और देन अगर
और इंजेक्शन देखिए हम तो ये भाई यहाँ पर फॉस्फेटिक एंजाइम तो ये ले जाएगा ग्लूकोज. दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस केल्विन साइकिल. तो इस प्रकार से केल्विन साइकिल में ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है. सेकेंड पार्ट इज सेकेंड पार्ट है इसका प्रोडक्शन या रीजनरेशन ऑफ आर यू एम पी.